यहाँ पे हमें 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। बहुत सिंपल, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है, 3/5 को किसी भी नंबर से, आप सपोज आपने लिया, आपके माइंड में आया 2, आप न्यूमरेटर को 2 से और डिनोमिनेटर को 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा आ गया 6/10। तो यहाँ पर ये जो 3/5 है और 6/10 है, ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मैं दो तीन और निकाल के दिखाती हूँ आपको। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ नंबर बदलेगा। सपोज़ इस बार हमने 3/5 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे। तो सपोज़ इस बार मैंने लिया 3, तो हमारे पास आ गया 9/15। एक और करके देखते हैं, 7 से कर लेते हैं, 7, तो हमारे पास आ गया 21/35। सो ऐसे ही जितने भी नंबर्स आए, 6/10, 9/15, 21/35 आर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं किसके, 3/5 के। ठीक है, ये सारे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, इवन 3/5 भी इनके इक्विवेलेंट।